गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। हिंदी में आज हम स्वर का पठन करेंगे और स्वर को लिखना सीखेंगे और चित्र की पहचान करके सही अक्षर पर गोल घेरा बनाना सीखेंगे। पहले हम स्वर का पठन करेंगे। स्वर अ से अह, ये है अ। अ से अनार, अ से अनार। अ के बाद आ, आ से आम, आ से आम। ये है ई। क्या है ये? ई। ई से इमली, ई से इमली। ई के बाद बड़ी ई, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। ये है ऊ। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। ऊ के बाद बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन। ये है री। री से ऋषि, री से ऋषि। री के बाद ए, ए से एडी, ए से एडी। ये है ऐ। ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। ऐ के बाद ओ, ओ से ओखली, ओ से ओखली। ओ के बाद औ, औ से औरत, औ से औरत। ये है अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। अह, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह। अब हम स्वर को लिखेंगे। स्वर अ से अह, एक लाइन छोड़कर लिखना है। ये है अ। अ से अनार, अ के बाद आ, आ से आम, आ के बाद ई, ई से इमली, ई के बाद बड़ी ई, बड़ी ई से ई, ई के बाद ऊ, ऊ से उल्लू, ऊ के बाद बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊ। ये है री। री से ऋषि, री के बाद ए, ऐसे एडी, ए के बाद ऐ, ऐसे ऐनक, ऐ के बाद ओ, ओ से ओखली, ओ के बाद औ, औ से औरत, औ के बाद अंग,
अंग से अंगूर, अंग के बाद अह, ये है अह। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह। इस तरह आपको स्वर अ से अह लिखना है। चित्र देखकर सही अक्षर पर गोल घेरा बनाओ। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। चित्र के सामने यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं। चित्र की पहचान करके हमें सही अक्षर पर गोल घेरा बनाना है। ये है आम। क्या है ये? आम। यहाँ पर दिया गया है अ, अ से अनार, आ से आम, ऊ से उल्लू। तो ये किसका चित्र है? आम का। तो आ से आम होता है, तो सही अक्षर ये है आ। तो आ पर इस तरह ऐसे गोल घेरा बनाना है। अब ये है अंगूर। क्या है ये? अंगूर। अंग से अंगूर। यहां पर है अंग, ई, अह। ये अंगूर का चित्र है, तो सही अक्षर है अंग। अंग पर ऐसे गोल घेरा बनाना है। अब ये है अनार। क्या है ये? अनार। यहां पर है ई, अ, ए। तो ये किसका चित्र है? अनार का। तो अ से अनार। तो यहां पर ये है सही अक्षर, ये है अ, अ से अनार। तो इस तरह आपको ऐसे गोल घेरा बनाना है। अब है ये इमली। क्या है ये? इमली। इसे इमली। और यहां पर है अ, उ, ई। ये है इमली। तो इसे इमली। और यहां पर ये है ई। इसे इमली। ई पर ऐसे गोल घेरा बनाना है। अब ये है एडी। ऐसे एडी। ऐसे एडी। यहां पर है ए, अ, बड़ा ऊ। तो ये एडी का चित्र है। तो ये है ए। ऐसे एडी। तो इस तरह से आपको गोल घेरा बनाना है। ये है ओखली। किसका चित्र है ये? ओखली। ओ से ओखली। ओ से ओखली। यहां पर है री, आ, ओ। ये ओखली का चित्र है, तो ओ से ओखली होता है। तो यहां पर ये है ओ। तो सही अक्षर क्या है? ओ। तो यहां पर ऐसे गोल घेरा बनाना है। इस तरह आपको चित्र की पहचान करके सही अक्षर पर गोल घेरा बनाना है। अब हम कविता सुनेंगे। कविता का नाम है गर्मी के दिन।
गर्मी के दिन आते हैं हमको बहुत सताते हैं। गर्मी के दिन आते हैं हमको बहुत सताते हैं। कहाँ खेलने जाए हम इतनी धूप के निकले दम। कहाँ खेलने जाए हम इतनी धूप के निकले दम। खेलों का मैदान गरम लू को आती नहीं शर्म। खेलों का मैदान गरम लू को आती नहीं शर्म। बाहर खेलना पाते हैं मन ही मन झुंझलाते हैं। बाहर खेलना पाते हैं मन ही मन झुंझलाते हैं। गर्मी के दिन आते हैं हमको बहुत सताते हैं। कहाँ खेलने जाए हम इतनी धूप की निकले दम। खेलों का मैदान गरम लू को आती नहीं शर्म। बाहर खेलना पाते हैं मन ही मन झुंझलाते हैं। ये कविता आपको सुनकर याद रखनी है। थैंक यू।